जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले काहे घूमकर सारा जमाना, आधी तकदीर आधा था। मेरी बड़ी इच्छा है कि आप थोड़ी देर के लिए इसे गुनगुनाएं, अगर जरूर लीजिए। अगर आपके हमें पूरा गाना चाहिए। हाँ हाँ जरूर। दिल जलता है तो जलने दे, आंसू ना बहा फरियाद ना कर, दिल जलता है तो जलने दे, तू पर्दा नशी का आशिक है, यूं ना में वफा बर्बाद न कर, दिल जलता है तो जलने दे। बड़ा, अगर आप लोगों को याद हो तो मोतीलाल पहले अपने गाने खुद गाया करते थे जी। वो पहली पिक्चर थी जिसमें उन्होंने प्लेबैक लेने की यानी शर्त मंजूर कर ली थी, और हमने साहब ये गाना रिकॉर्ड कर दिया। जब हमने ये गाना रिकॉर्ड किया तो पिक्चर कंप्लीट होने के बाद ये तय किया गया कि उसमें से ये गाना निकाल दिया जाए। तो हम मजर खास आपके पास गए जो इस पिक्चर के प्रोड्यूसर थे, और हमने उनसे पूछा कि भाई ये गाना इसमें से क्यों निकाल दिया जा रहा है। तो वो कहने भी बात है कि मोतीलाल जो हैं ये अक्सर चंचल किस्म के करेक्टर करते हैं, बॉयस्ट्रस करेक्टर्स करते हैं जी। और इनके करेक्टर को ये सैड सॉन्ग सूट नहीं होता है। तो हमारा बड़ा दिल टूट गया, हम बड़े उदास हुए। हमने उनसे कहा मजर भाई हमारी एक इल्तिजा है कि आप ये गाना रहने दीजिए। कहने भाई ये चलेगा नहीं, ये बड़ा बोर करता है ये गाना, और ये पिक्चर के अंदर ड्रैग करता है। हमने कहा कि आप रहने दीजिए, ये हमारी रिक्वेस्ट है। तो खैर उन्होंने बड़ी जद्दोजहद के बाद इस चीज के ऊपर वो एग्री किया कि भाई हम एक वीक रखेंगे, और अगर पब्लिक को ये गाना पसंद आया तो इसे कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो इसे पिक्चर में से निकाल दिया जाए। आज तक लोगों को दिल जलता है तो जलने दो याद है जी। हिमांशु कुमार के ये पूछने पर कि उन्हें अपने गीतों में से कौन सा गीत प्रिय है, उनका उत्तर था पॉपुलर तो नहीं जी, मैं आपके अच्छा गाना जो मुझे मेरे दिल को पसंद है वो मैं आपको सुनाई देता हूँ। जब कोई तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए, कोई जब तुम्हारा हृदय अभी तुमको मेरी जरूरत नहीं, बहुत चाहने वाले मिल जाएंगे, अभी रूप का एक सागर हो तुम, कमल जितने चाहोगे खिल जाएंगे, दर्पण तुम्हें जब तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा सर झुका है झुका ही रहेगा तुम्हारे। अगर मुझे 10 लाइट गाने मिले और एक सैड सॉन्ग मिले तो मैं 10 गाने छोड़ के वो गाने के लिए एक सैड सॉन्ग गाने। मुकेश ने आखिर गीत संगीत के जीवन में प्रवेश कैसे किया, उनके पिता क्या चाहते थे, वे क्या बने, उन्हीं के स्वर में सुनिए। ओ था वो भी एक ड्रीम था। हम एक मेरी सिस्टर की शादी के अंदर साहब गाना गा रहे थे,
और उसमें दो साहिबान फिल्म के आए हुए थे। तो शादी की बारात को एंटरटेन करने के लिए लड़की वाले भाई हमेशा करते ही हैं, कोई शराब ला रहा है, कोई कबाब ला रहा है। हमारे सामने कहा भाई हारमोनियम लगाओ भाई, गाना वाना गाएंगे। हमने गाना वाना गा दिया था। वो दो साहिबान अगले दिन मेरे घर पे आ गए। ये कोई फिल्मी गाना था जो आप गा रहे? जी हाँ, मैं सैगल साहब का गाना गाया। अच्छा। वहाँ सारी रात गाना बजाना होता रहा। अगले दिन वो सवेरे हमारे वालिद साहब से मिलने चले आए। कहने लगे साहब आपके साहेबजादे में बड़ी टैलेंट है, तो बहुत अच्छा गाना गाना जानते हैं। हमारे फादर को तो पता ही नहीं था गाना किसे कहते हैं, ना हमें पता था, मैट्रिक में पढ़ा करते थे। फादर बड़े ताज्जुब हो गए, कहने क्या कह रहे हैं, क्या कौन है ये, कौन लोग हैं ये? मैंने कहा जी ये बड़े फिल्म के बहुत बड़े मशहूर आदमी हैं, इन लोगों को कहेंगे मशहूर वशहूर तो होंगे, ये क्या चाहते हैं तुमसे? तो उन्होंने कहा कि जी नहीं फिल्म में भेज दीजिए, सैगल से भी बड़ा नाम कमाएंगे। तो सैगल ही एक नाम था जो हमारे फादर ने सुना था, और तो किसी को जानते जानते नहीं। तो खैर साहब वो उस वक्त तो उस चीज पर जमन नहीं हुए। वो फादर ने कहा कि नहीं भाई हम तो क्लर्क व्लर्क बनवा देंगे अपने लड़के को और ठीक हो जाएगा। तो था वो ऐसा कि नेशनल स्टूडियो के अंदर नलिनी जयवंत को इन्होंने हीरोइन लिया था, और उसके लिए एक नए लड़के की तलाश थी उन्हें, और वो चाहते थे कोई सिंगिंग हीरो आए। मगर खैर उस टाइम तो नहीं, नेक्स्ट टाइम जब उसकी सेकेंड पिक्चर नलिनी की स्टार्ट हुई जिसका नाम था निर्दोष, दोबारा उन लोगों ने एक टेलीग्राम मुझे दिया मेरे फादर को। मेरे फादर कह रहे कि भाई अगर इतना वो लोग इसरार कर रहे हैं तो वाकई शायद है तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट हो, जाओ अपना मुकद्दर आजमा लो। खैर साहब हम आए, पिक्चर हो गई फेल, हमें निकाल दिया गया, कंपनी भी बंद हो गई। और पहले तो हमने कुछ दिनों कुछ कभी शेयर ब्रोकर बने, कभी वो ड्राई फ्रूट सेलर बने, कभी कुछ बने, सारे दुनिया भर के धंधे करके इतने मुकद्दर से ये प्रोफेशन उन दिनों में तो शुरू नहीं हुआ था। ये देव की बोस ने स्टार्ट किया था 1942 के अंदर, लिवेक्स फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था। अच्छा। देव की बोस ने कलकत्ते के अंदर। और वो कहते हैं ना जी कि जब मुकद्दर में कुछ लिखवा के लाए हो तो कुछ ना कुछ भगवान ने ऐसा तरीका निकाल दिया कि प्लेबैक सिंगिंग का प्रोफेशन शुरू हो गया। और हमारी कुछ थोड़ी बहुत शुरुआत हो गई वहाँ पे। अच्छा, कभी आपके मन में ये नहीं हुआ कि चलो गाने वाने को छोड़ो, मैं फिल्म का हीरो बन जाऊं? मैंने कोशिश करी थी जी, मगर इतना नाकामयाब रहा। ये क्यों? सूरत शक्ल से तो आप बहुत अच्छे लगते हैं, क्या एक्टिंग नहीं? दो डिफरेंट आर्ट है, और मैंने सोचा इट इज बेटर टू बी ए फर्स्ट क्लास सिंगर देन टू बी ए सेकंड क्लास एक्टर। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। दुनिया को सज्जनता का मार्ग दिखाते हुए मुकेश आज अपने करोड़ों प्रेमियों को रुलाते हुए खुदा के पास पहुंच गए हैं। हम छोड़ चले हैं दाए कभी तो मत रोना। मुकेश आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका स्वर सदा ही संगीत प्रेमियों के दिल को गुदगुदाता रहेगा। इस महान कलाकार को अपने गायक जीवन के आरंभ में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? मुकेश संगीत का आशिक था, बड़ी से बड़ी कठिनाई उनकी धुन में बाधक नहीं हो सकी। बस मुकेश हमेशा ही जीवन में गुनगुनाते रहे। उनकी प्रेरणा जाने कौन थी, किसकी मित्रता उनके गीतों को गीतों का रूप देती थी। इस कलाकार ने दिल जलने और आंसू भरी जीवन की राहों से निकलकर बहारों के भी ख्वाब देखे। मचलते हुए आशिक के रूप को प्रतिबिंबित करता हुआ उनका ये स्वर। मैं आशिक हूं बहारों का नजारों का। जी हां, भारतीय सिनेमा जगत के ये सुप्रसिद्ध गायक इस दुनिया की महफिल से विदा ले चुके हैं। कितना दर्द था उनकी आवाज में, कितनी कसक टीस और पीड़ा झलकती थी उनके स्वर में, और कितने ख्वाब थे उनके जीवन के। एक ख्वाब सा देखा।